Keswanand Bharti, a name that needs no introduction to any civil service aspirants, a man that lead to basic structure in Indian polity. मतलब एक ऐसा नाम जिसे UPSC, State PCS और SSC की तैयारी करने वाले वो स्टूडेंट अच्छी तरीके से जानते हैं. सो इस नाम को ऐसे किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. सो केशवानंद भारती, ही डाइड ऑन संडे इन केरला. सो जानेंगे इस लेक्चर में कि केशवानंद भारती के जो 1973 का केशवानंद भारती केस था वो आखिर क्या है, इसके बारे में जानेंगे और उससे जुड़े कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे. सो अगर आपने UPSC लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द UPSC लाइब्रेरी. एंड आप UPSC लाइब्रेरी को टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. सो ये न्यूज़ थी कि केशवानंद भारती जो हुज पेटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट टू लैंडमार्क जो जजमेंट आया था 1973 में जिसने किया फाइल किया था. सो उससे रिलेटेड एस्पेक्ट जो उनके वो आदमी है वो आउटलाइन में बेसिस होता है. सो ही डाइड द एडनी मठ इन द केरला, जो केरला के कसरगोड डिस्ट्रिक्ट में जो उनका मठ था सो वहाँ पर उनकी डेथ हो गई. सो जो मठ था, जो सीर जो मठ था, सो उस मठ के वो सीर थे. सो इसके बारे में जानेंगे कि उस आगे सीर का मतलब क्या था. जो सीर जो होते हैं वो इज द हेड ऑफ द जगतगुरु शंकराचार्य संस्थान इदनी मठ. जो मठ के जो हेड होते हैं उसको ही द सीर बोलते हैं. बिकॉज और ये जो मठ है ना वो मठ किसे बिलोंग होता है, वो इट विच बिलोंग्स टू द परंपरा ऑफ श्री टोटकाचार्य. जो टोटकाचार्य जो उससे बिलोंग होते हैं और जो टोटकाचार्य है वो वन ऑफ द फर्स्ट फोर डिसाइपल हैं श्री आदि शंकराचार्य. मतलब इस लाइन को थोड़ा ध्यान समझना. जो श्री थोटकाचार्य से ये पूरा मठ बिलोंग है, उनकी परंपरा है. और जो श्री थोटकाचार्य है वो वन ऑफ द फर्स्ट फोर डिसाइपल हैं श्री आदि शंकराचार्य के. मतलब ये पूरा आदि शंकराचार्य से जुड़े हैं. सो ऑल्सो द मठ इज नोन इज ए सीट ऑफ द आर्ट एंड वैदिक लर्निंग दैट इज बिलोंग्स टू द शंकराचार्य ट्रेडिशन. जो मठ है वो आर्ट एंड वैदिक लर्निंग के लिए एक सीट है जो कि किसे बिलोंग करता है, शंकराचार्य ट्रेडिशन से. सो इस चीज़ को आप ध्यान से माइंड में रखना, इसको याद रखना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे आर्ट एंड कल्चर का एक एंगल और क्रिएट होता है. सो आदि शंकराचार्य है. सो आदि शंकराचार्य के बारे में से देखते हैं कि आदि शंकराचार्य जो कि इनका जन्म 11 मई 788 AD में हुआ था. कहाँ हुआ था, नियर दी कलाडी, नियर द कोची केला, जो केला में. सो इन्होंने समाधि ली थी एट द एज ऑफ 33 की एज तक इन्होंने समाधि ले ली थी. कहाँ पर, केदार तीर्थ में. सो ही बिलोंग टू द वेदांत फिलोसफी. मतलब ये वेदांत फिलोसफी से बिलोंग करते हैं. मतलब वेदांत फिलोसफी मतलब इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी होते हैं. सो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी के दो पार्ट होते हैं. पहला आस्तिक फिलोसफी थी, आस्तिक मतलब ऑर्थोडॉक्स वाली. देन सेकंड वन होगी नास्तिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेटरोडॉक्स. मतलब सो इंडियन फिलोसफी दो पार्टों में डिवाइड, ऑर्थोडॉक्स और हेटरोडॉक्स, मतलब हिंदी में आस्तिक और नास्तिक. सो नास्तिक जिनको ऑर्थोडॉक्स भी बोलते हैं. सो ऑर्थोडॉक्स में ही 6 पार्ट होते हैं जिसको मीमांसा फिलोसफी बोलते हैं. देन द सेकेंड वन इज योग फिलोसफी, ऐसे सांख्या, फिर न्याय, फिर वैसिका, देन वेदांत फिलोसफी. सो जो आस्तिक जो कि ऑर्थोडॉक्स का पार्ट है, ऑर्थोडॉक्स का ही पार्ट है. सो ऑर्थोडॉक्स में ही वेदांत फिलोसफी आता है. सो आदि शंकराचार्य उस वेदांत फिलोसफी से ही बिलोंग करते हैं. सो ऐसे ही सो आदि शंकर जो कि बिलोंग वेदांत फिलोसफी से. सो ही एसोसिएट विद द माया थ्योरी, आद्वैत वेदांत, मतलब जिसको डुअलिज्म बोलते हैं, देन तारक ब्रह्म. सो इससे उनको एसोसिएट है. सो याद रखना आदि शंकराचार्य वेदांत फिलोसफी से बिलोंग करते हैं. देन ही इस्टेब्लिश 4 मठ जिसको मोनेस्ट्री भी बोलते हैं. कहाँ पर की थी उन्होंने इस्टेब्लिश, सिंगड़ी, देन पुरी, देन द्वारका, देन बद्रीनाथ. इन 4 जगहों पर उन्होंने मोनेस्ट्री इस्टेब्लिश की थी. और इसका मतलब क्या था, उन्होंने काम किया था वो प्रोपेगेशन करना सनातन धर्म को, सनातन धर्म का प्रोपेगेशन करना इन 4 मोनेस्ट्री के द्वारा. और इनकी इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी थी जिसमें 2 बुक्स हैं, भाष्य है जिसका इसमें कमेंट्रीज हैं गीता की, मतलब इसमें गीता की कमेंट्रीज हैं और उसके अलावा और अदर टेक्स्ट भी हैं. और सेकेंड है प्रकरण ग्रंथ. सो ये 2 बुक हैं इनकी आदि शंकराचार्य के, याद रखना. और इसके अलावा आदि शंकराचार्य के बारे में और भी बातें कि गवर्नमेंट वांट्स टू डिक्लेयर हिज बर्थडे, जो कि इनका बर्थडे हो गया 11 मई 1788 AD में जो उन्होंने बर्थ लिया था, मतलब जन्म हुआ था. सो उस उनके जन्मदिन को 11 मई को गवर्नमेंट नेशनल फिलोसोफर डे डिक्लेयर करना चाहती थी. और आदि शंकराचार्य को एज ए नेशनल फिलोसोफर
फिलोसफर डिक्लेयर करना चाहती इंडियन गवर्नमेंट, बट आदि शंकराचार्य हु अपोज टू बुद्धिस्ट, बट आदि शंकराचार्य बुद्धिस्ट को वो अपोज करते हैं, बिकॉज आदि शंकराचार्य वेद ऑर्थोडॉक्स पार्ट से आते हैं, जिसको आस्तिक बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स पार्ट से, और बुद्धिस्ट जो आते थे वो हेटरोडॉक्स पार्ट से आते हैं। इंडियन फिलोसफी की बताया था ना, दो पार्ट होते हैं ऑर्थोडॉक्स और हेटरोडॉक्स, हो ये दोनों बुद्धिस्ट और आदि शंकराचार्य दोनों अलग अलग पार्ट से आते थे, वो वेदांत से बोलेंगे, वो दूसरा हेटरोडॉक्स वो बुद्धा से वहाँ से आते थे। सो दोनों अलग अलग पार्ट से आते थे, इसी वजह से आदि शंकराचार्य बुद्धिस्ट के अपोजिट थे। सो इसी के कारण, इसी वजह से आदि इंडियन गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ क्रिटिसिज्म या कुछ क्रिटिसिज्म स्टार्ट होने लगे थे। सो और अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो आप NIOS की जो बुक पढ़ सकते हैं आर्ट एंड कल्चर की, उसमें चैप्टर नंबर 8 है। सो इसके बारे में और इस चैप्टर के बारे में वहाँ से और डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो केशवानंद भारती के जो सबसे फेमस जो है केशवानंद भारती केस है, जिस वजह से केशवानंद भारती जो इंसान थे जिनकी डेथ हुई, उस वजह से उन्हीं की वजह से केशवानंद भारती केस स्टार्ट हुआ। सो देखते हैं आखिर ये केशवानंद भारती केस स्टार्ट हुआ था, बिकॉज सो इसमें केशवानंद भारती केस, उन्होंने पहले गए मूव टू सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज वो सुप्रीम कोर्ट गए थे 21 मार्च 1970, बिकॉज उन्होंने चैलेंजिंग किया था केरला गवर्नमेंट के एक डिसीजन, जिसमें टेक ओवर द लैंड ओन बाय द मठ, जो मोनेस्ट्री थी, जो मठ था उनमें मठ की जो जमीन थी, लैंड थी, वो केरला गवर्नमेंट टेक ओवर कर ली थी। आर एज पर द स्टेट्स रेवोल्यूशनरी एड रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1969, इसके अकॉर्डिंग केरला गवर्नमेंट ने मठ की लैंड को टेक ओवर कर लिया। सो द सी रियलाइज दैट इट वुड बी डिफिकल्ट टू रन द मठ वंस इट्स प्रॉपर्टी एंड सोर्स ऑफ इनकम ऑफ रनिंग इट वाज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, और मठ का मानना था कि जब गवर्नमेंट ने अपनी हमारी सारी लैंड एक्वायर कर ली है, तो इससे मठ को चलाने के लिए जो इसकी प्रॉपर्टी थी या जो उसकी इनकम सोर्स ऑफ इनकम था, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। सो इसी वजह से पोस्ट इनेक्टमेंट ऑफ लॉ द मठ हैड लॉस्ट इट प्रॉपर्टी, मठ ने अपनी प्रॉपर्टी को खो चुका था। सो इट हैड बीन गैस्पिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू रन द मठ एंड इट्स चैरिटेबल एक्टिविटीज, जो इस वजह से वो अपनी चैरिटेबल एक्टिविटीज या रन की जो एक्टिविटीज थी वो नहीं कर पाए। सो फेस वी रिड्यूस इनकम अमाउंटिंग एक्सपेंस भारती डिसाइड टू ऑप्शन फॉर लीगल रिसोर्सेज, तो इसी वजह से केशवानंद भारती थे, उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो लीगल रिसोर्सेज को वो लीगल रिसोर्सेज की तरफ जाएंगे और अपनी जो लैंड मठ की जो लैंड थी उसको रिकवर करेंगे। सो इसी वजह से यहाँ से केशवानंद भारती केस की स्टार्टिंग हुई। तो केशवानंद भारती मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ हिज राइट्स गारंटी अंडर आर्टिकल। सो इस केस में केशवानंद भारती ने अपने कुछ राइट्स के बारे में बताया, और उन्होंने बोला कि मेरे ये राइट्स वो मतलब हट हो रहे हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की वजह से ये राइट मेरे एक्सप्लोइट किए जा रहे हैं। उसमें कौन कौन से राइट थे, एक था आर्टिकल 25 जिसमें था राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन रिलीजन, देन आर्टिकल 26 राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, देन आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, देन आर्टिकल 19 क्लॉज 1F जिसमें था फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी, देन आर्टिकल 31 कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये सब फंडामेंटल राइट्स है, जो बताया था ना 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स हैं। सो ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। सो इसी वजह से यहाँ से केशवानंद भारती के जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फंडामेंटल राइट्स के लिए, जहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर का एक थ्योरी निकल के आई थी, मतलब थ्योरी तो काफ़ी पहले थी लेकिन और ज़्यादा उसको और इम्पोजिशन लगा। सो इसी वजह से केशवानंद भारती केस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो केशवानंद भारती का इसी वजह से यहाँ से सुप्रीम कोर्ट वर्डिक करता है अप्रैल 24, 1973 में, और कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनवियोलेबल है और कैन नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। सो उसने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट सुनाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इनवियोलेबल है, मतलब वो नहीं वॉयलेबल नहीं है और इसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। सो द कोर्ट हैड रूल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट यहाँ पे पार्लियामेंट कैन नॉट यूज इट्स अमेंडिंग पावर, जो पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है अंडर आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट की कुछ पावर से वो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी पार्ट्स को अमेंड कर सकती है। बट इसमें इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को लिए एक जजमेंट दिया था कि इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट है उसको पार्लियामेंट अपना जो पावर 360 के अंडर आती है उससे पार्लियामेंट कैन नॉट यूज इट्स अमेंडिंग पावर टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। सो यहाँ से वो बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं कर सकती है और द एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो और जिससे भी इससे रिलेटेड और भी इसके जो एसेंशियल फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनको भी अल्टर या अमेंड नहीं कर सकती। सो इस केस से एक चीज़ क्लियर हो जाती है।
चीज के बाद एक चीज एक टर्म निकल के आती है बेसिक स्ट्रक्चर। आखिर बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सो इस बेसिक स्ट्रक्चर में जो बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्राइन है इसमें काफी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, लाइक इसमें सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, देन रूल ऑफ लॉ, देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, देन डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, देन फेडरलिज्म, देन सेकुलरिज्म, द सोवरेन डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड द वेलफेयर स्टेट एंड ETC। मतलब अभी इसमें पूरी तरीके से डिफाइन नहीं है कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूरा टोटल क्या होता है। सो ये चीज़ भी ढंग से डिफाइन नहीं है। सो लेकिन इसमें इतना मोटा मोटा आइडिया कोर्ट ने दे दिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है और जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सो इसी वजह से केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी चेंज कर सकते हैं बट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। सो यहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर की एक डॉक्ट्राइन निकल के आया सब। लेकिन जब बेसिक स्ट्रक्चर को पूरा देखेंगे तो इससे पहले भी काफ़ी सारे केसेस थे जहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 19 और भी केसेस, लेकिन मोस्टली ये चार केसेस थे जो यहाँ से स्टार्ट होता है शंकरी प्रसाद के, जो कि 1951 से। सो इस शंकरी प्रसाद केस में इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था, सो इसकी वजह से जो हुआ था 1951 में जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी था उसको कटेल कर दिया गया है। सो उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी कटेल कर दिया उसकी वजह सो इस चीज़ को इसमें चैलेंज किया गया। तो इसमें शंकरी प्रसाद ने बोल दिया गया। सो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट अपनी जो अंडर आर्टिकल 368 के अंडर इसको अमेंड कर सकती है और इसमें बोल दिया जो राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल था, तो इसी वजह से इसमें बोला कि आप पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 360 के अंडर इन सब चीज़ों को कटेल मतलब इसको चीज को अमेंड भी कर सकती है, इंक्लूड फंडामेंटल राइट्स। सो शंकरी प्रसाद केस में क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स को भी मतलब वो अमेंडमेंट उसमें अमेंड कर सकती है, अल्टर कर सकती है। सो फिर इसके बाद आया गोलकनाथ केस। सो इस गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहला जो अपना जो जजमेंट था उसको पहले तो रिवर्स कर दिया। सो इसको अकॉर्डिंग गोलकनाथ केस में जिसमें जजमेंट में आया था, सो उसमें बोला कि पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ दीज राइट्स। सो अकॉर्डिंग टू गोलकनाथ केस पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रिज और टेक अवे एनी दीज राइट्स। सो पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल राइट्स को नहीं ले सकती बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर गिवन ट्रांसजेंडेंशन एंड इम्यूटेबल पोजिशन। जो उनकी जो फंडामेंटल है वो ना ही ट्रांसजेंडेंशन है ना इम्यूटेबल है। सो इसी वजह से पार्लियामेंट उनको ना ही अल्टर कर सकती है ना अब्रिज कर सकती है, कुछ फंडामेंटल में कुछ भी चेंज नहीं कर सकती। सो इसी वजह से पार्लियामेंट ने उस एक्ट पर और एक्ट पर रिएक्ट करते हुए पार्लियामेंट रिएक्टेड टू दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड इनएक्टिंग 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 and declared that parliament has the power to amend and take away any of the fundamental rights under article 368 and such act will not be law under the meaning of article number 13। so इसी वजह से पार्लियामेंट ने गोलकनाथ केस के जजमेंट को रिएक्ट करते हुए उसने 24th amendment act को लाया, उसमें बोल दिया कि पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट की जो पावर है अंदर आर्टिकल 368 के अंदर वो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को चेंज कर सकती है या अल्टर कर सकती है। सो इन द केशवानंद भारती केस जो काफ़ी लैंडमार्क एक्ट था, सो इसमें बोला कि सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल गोलकनाथ केस जो कि 1967 में था जजमेंट को ओवर रूल कर देता है एंड अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 24th अमेंडमेंट एक्ट। और जो वैलिडिटी थी 24th अमेंडमेंट एक्ट की उसको अपहेल्ड कर देता है। बट इसमें एक टर्म इसमें इंक्लूड करता है केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट। सो इसमें बोलता है कि बट एट सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन न्यू डॉक्ट्राइन लाता है जो उसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर या बोलते हैं बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहीं से ही बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आता है इसी केशवानंद भारती केसेस में। इसी वजह से ये जजमेंट ये केशवानंद भारती केस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट अमेंड एंड अल्टर एवरीथिंग, मतलब पार्लियामेंट इसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर सकती है कुछ भी अल्टर कर सकती है बट नॉट अल्टर बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर दिया था इस बेसिक स्ट्रक्चर में जब इसने दिया था। सो इसी वजह से पार्लियामेंट की क्या है, मतलब पार्लियामेंट कुछ भी
अमेंड कर सकती है, अल्टर कर सकती है, कुछ भी चेंज कर सकती है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फीचर होता है, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको चेंज नहीं कर सकती, ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सो इस चीज़ को टैकल करने के लिए, मतलब केसर मान भारती के पास में जो जजमेंट आई थी, सो इस चीज़ को टैकल करने के लिए पार्लियामेंट केम विद 42nd अमेंडमेंट एक्ट। सो इसके बाद जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो आता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें इट हैड मल्टीपल चेंजेस, सो इसी वजह से इसमें काफ़ी सारे चेंज होते हैं, इसी वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? 42nd अमेंडमेंट एक्ट को। सो 42nd अमेंड, इसको याद रखना, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अमेंडेड आर्टिकल 368 एंड डिक्लेयर्ड दैट देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट। सो इस एक्ट के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, उसकी ना ही कोई लिमिटेशन है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है, मतलब उसका पूरा ये मतलब उसको केशवानंद भारती का जो बेसिक स्ट्रक्चर उसको टैकल करना था इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। सो इसके बाद आता है मिनर्मा मिल केस। सो इस मिनर्मा मिल लास्ट में था, सो इस मिनर्मा मिल्स के जो कि 1980s में था, सो इसमें अकॉर्डिंग टू दिस केस सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्मा मिल्स केस इसमें एक्सक्लूड कर देती है किसको? जुडिशियल रिव्यू। मतलब अब उसमें सारे, इसमें सारी चीज़ें जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में सब चीज़ें करते हैं, लेकिन उसमें जो एक पार्ट आता है जुडिशियल रिव्यू, उसको अलग कर देती है जुडिशियल रिव्यू को के फीचर को, और बोलते हैं कि जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक फीचर, मतलब वहाँ से अलग करके उसमें बेसिक फीचर में इसको जुडिशियल रिव्यू को डाल देती है, और बोलते हैं बेसिक और जुडिशियल रिव्यू वो पार्ट ऑफ किसका? बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर का। सो पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर दिस। सो पार्लियामेंट अब जुडिशियल रिव्यू को अल्टर नहीं कर सकती, बिकॉज इसका एक फ़ायदा है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट पार्लियामेंट में अगर कोई भी चीज़ या लॉ कुछ भी अमेंड हो रहा है, तो उसको जुडिशियल रिव्यू में के अंदर आ सकती है, जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ सकती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के किसी भी जजमेंट को या मतलब किसी भी लॉ को जुडिशियल रिव्यू में लाकर उसको हटा सकती है, या उसको वैलिड या इनवैलिड या इनवॉइड कर सकती है। सो लास्ट में एक चीज़ है कि वोमेन राव केस था 1981 में, सो उसमें उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसमें जजमेंट सुनाया कि इसमें बोला कि टू रेस्पेक्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर की रेस्पेक्ट करते हुए उसने ये इट स्टेट सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट इट वुड अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इनेक्टेड आफ्टर 24 अप्रैल 1973, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो भी 1973 मतलब जो ये वो टाइम है केशवानंद भारती केस में, सो 1973 के बाद जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं वो सभी के सभी जुडिशियल रिव्यू के अंडर आते हैं, मतलब वहाँ उसके उस 1973 के बाद जितने भी पार्लियामेंट में एक्ट या लॉ क्रिएट हुए हैं वो सभी के सब जुडिशियल रिव्यू में आते हैं, मतलब उनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के अंडर ला सकती है, उनको जुडिशियल रिव्यू में देख सकती है, अगर वो उनको या तो फिर उनको नल एंड वॉइड कर देगी अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को हर्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज वो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड रहेंगे। सो इसके अकॉर्डिंग वोमेन राव केस 1981 के अकॉर्डिंग ये जजमेंट था। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। सो इस टाइम को आप याद रखना, पहला शंकरी प्रसाद केस जो कि 1951 में आया था, देन सेकंड इस गोलकनाथ के जो कि 1967 में आया, देन फोर्थ इज केशवानंद भारती के जो 1973 में, देन फोर्थ इज मिनर्मा मिल केस जो 1981, देन फिफ्थ वन इज इसको ऐड कर लेना, फिफ्थ वन वाला वो है वोमेन राव केस 1981 में। सो वोमेन राव केस 1981 वाला इसे याद रख लेना। सो ये पांच केस है, इनके टाइमलाइन याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो बेसिक स्ट्रक्चर जो इसमें डॉक्टर ने दिया था, इसके कुछ आर्गूमेंट्स भी थे, बिकॉज क्रिटिक्स जो थे वो क्रिटिसाइज कर रहे थे डॉक्ट्रिन जो था वो अनडेमोक्रेटिक है, बिकॉज अनइलेक्टेड जजेस कैन स्ट्रैक डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जो अनइलेक्टेड जजेस मतलब जजेस तो हैं वो तो अपॉइंट होकर आते थे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते वो इलेक्ट होकर आते थे, सो ये अनडेमोक्रेटिक था, बिकॉज अनइलेक्टेड जजेस स्ट्राइक डाउन कर देते कि इलेक्टेड पर्सन के जो भी अमेंडमेंट करते, सो इसी वजह से ये इसको क्रिटिसाइज करते। और एट द सेम टाइम इट प्रोपोनेंट हैव हेल्ड द कॉन्सेप्ट एज ए सेफ्टी वॉल अगेंस्ट द मेजोरिटिज्म एंड अथॉरिटिज्म। सो एक
रेस मतलब एक वो आने लगा था मेजोरिटिज्म और अथॉरिटिज्म के बीच में। सो इसमें मेजोरिटिज्म कौन हो जाता है, जो पार्लियामेंट में जो एम पीज होते हैं, और अथॉरिटिज्म मतलब सुप्रीम कोर्ट। सो एक ये आर्गूमेंट था बेसिक स्ट्रक्चर को टैकल करने के लिए। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने यूपीएससी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द यूपीएससी लाइब्रेरी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।